वो एक बच्चा आया ना अपनी माँ के लिए लिबास लेने के लिए, और पहले वो गया अपने चचा के पास, उसकी माँ बेवा थी, उसका लिबास फट गया था, और वो अपने चचा के पास गया तो उसने दुत्कार दिया। माँ ने उसको रोका था, बेटा ना जाना, लेकिन उसने कहा कि तेरे बदन के ऊपर जो लिबास है वो भी फट गया और जगह जगह से जिस्म झलक रहा है, तो मैं अपने चचा से आपके लिए लिबास लेके आता हूँ। फिर जो रवैया उसने इख्तियार किया, तो वापस रोता हुआ आ रहा था, तो किसी ने रास्ते ने पूछा कि क्या माजरा हुआ। उसने कहा चचा के पास गया था माँ के लिए लिबास लेने, उसने रुला के भेज दिया। अल्लाह अकबर। तो उसने कहा कि जा सेने हरम में मोहम्मद नाम का एक शख्स बैठा हुआ है, अगर तू अपना दुखड़ा उसके सामने पेश करे तो वो उम्मीद है तुम्हें रद्द नहीं करेंगे, लेकिन सुन ले उनका दीन कोई और है। अल्लाह अकबर। अपने माँ के पास आया तो माँ को कहा कि चचा ने रुला के भेज दिया, लेकिन आपकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही, बच्चा अभी शऊर की मंजिलों में कदम रख रहा था, पहले बहुत छोटा था, अब उसके अंदर एक जज्बात थे बच्चे के अंदर। तो माँ ने कहा कि बेटा नहीं, उनके पास नहीं जाना, सुना है कि जो उनसे मिले दीन धर्म छीन लेते हैं उसका। अल्लाह अकबर। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास जाने से माँ रोकने लगी, लेकिन बच्चे ने कहा कि अम्मी मैं पक्का रहूंगा, बुतों का वफादार रहूंगा, तुम इस टेंशन को इस परेशानी को छोड़ दो। और हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, हुजूर सेहने हरम में चादर ओढ़े बैठे हुए थे, और जाके कहने लगा मैं पहले बात आपसे कर लेता हूँ, आपका दीन मैंने कबूल नहीं करना। हुजूर मुस्करा के बोले बेटा बताओ किस लिए आए हो? कहा मेरी माँ बेलिबास है, मैं आपसे लिबास लेने आया। हुजूर ने चादर रहमत उतार के उसके कंधों पे डाली। अल्लाह अकबर। वो वापस आ गया और माँ पर हुजूर की चादर उड़ाई। अल्लाह अकबर। और माँ ने कहा कि बेटे उसने अपना दीन तो नहीं तुझे दिया? कहा ना, मैंने पहले कह दिया था तेरे दीन नहीं मानूंगा। माँ कहने लगी पुत्र उसका दीन मानना चाहिए, ये जिसने रहमत की चादर हमारे सर पे उतार दी। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। उस बूढ़ी औरत का किस्सा भी आप नहीं भूल सकते जो घर का सामान बांध के अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी, और उसने सुना था मक्के में एक जादूगर आया है जिसे मिलता है उसका दीन छीन लेता, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उससे मुलाकात हो जाए और वो दीन ही मेरा छीन ले, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए। घर के थड़े के ऊपर सामान बांध के बैठी है, हुजूर भी गुजरे, उसने देखा तो कहा भतीजे ये सामान मेरे सर पे रख दे। हुजूर ने सामान उठाया, देखा तो बोझल था, वजनी था, और बुढ़िया को देखा तो कमजोर थी, तो कहा कि बुढ़िया अगर चाहो तो जहां चाहती हो, मैं खुद ना छोड़ा। उसने कहा इससे बड़ी मेहरबानी क्या होगी? हुजूर ने सामान उठाया हुआ है और बुढ़िया से बातें भी करते जा रहे हैं। तो बुढ़िया को कहा क्यों जा रही है? उसने कहा कि सुना है यहाँ एक जादूगर है जो लोगों का धर्म लूट लेता है, लोगों का दीन लूट लेता है। मैंने सारी जिंदगी बुतों से वफा की, मेरे अबाओ अजदाद ने बुतों से वफा की है, मैं चाहती हूँ दीन अजदाद हाथ से छूट ना जाए, आखिर शहर में रहती हूँ कहीं मिल ना जाए। खैर हुजूर ने कुछ नहीं कहा, उसका सामान नहीं फेंक दिया कि ठीक है तुम फिर जाओ। सामान उसका उठाया और जहां तक उसने जाना था सामान पहुंचाया, सामान सुपुर्द करके वापस पलटने लगे, तो उसने कहा बच्चे अपना नाम तो बता दे, लोग कहेंगे कि मक्का छोड़ आई हो तो बताऊंगी एक जादूगर के दुख से छोड़ आई, तो वो कितना बुरा भला कहेंगे शहर मक्का को कि जिस मक्का से लोग नकली मकानी करने पर मजबूर हो गए, तो मैं उन्हें यह भी बताऊंगी कि जिस मक्के में जादूगर रहता है इतना अच्छा नौजवान भी रहता है, तो तेरा नाम लिया करूंगी, तेरे कसीदे पढ़ा करूंगी। तो हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्करा पड़े, कहा बुढ़िया जिस जादूगर से भाग के आई है वो तेरे सामने खड़ा। उसने कहा सच से आप ही मोहम्मद हैं? हुजूर ने फरमाया नाम मेरा यही है। तो उसने कहा फिर आपका जादू मेरे पे चल गया है। अल्लाह अकबर। तेरी तक के अदामा में मुरीद हो गए। लोगों की खिदमत करें, बूढ़ों के काम आए, दुखियों के काम आए, मुसीबत जदा के काम आए, हुजूर यतीम हो के यतीम परवरते, लाचारों की मदद करते, लोगों के घरों में पानी भर के दे देते, और दुखियों के काम आ जाते और मुसीबत जदों के काम आ जाते। तो हुजूर से प्यार करने वालों, उम्मत में आपस में हस्त ना फैलाओ, बुगज ना करो, नफरतों के पहाड़ खड़े ना करो, एक दूसरे से प्यार करो, जुड़ो, उम्मत उम्मत वाहदा बने, और अपने माहौल को, अपनी मुआशरत को एक खूबसूरत मुआशरत का रंग दो, और अपनी जिंदगी को हुजूर के नाम कर दो।